जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा जिले के बेगपुरा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया है। रियाज अहमद नायकू घाटी का सबसे वांछित आतंकी था। मुठभेड़ में यासीन इट्टू की मौत के बाद से इसने कमान संभाली थी। वो दिसंबर 2012 में हिजब में शामिल हुआ और महज 5 सालों में संगठन का प्रमुख बन गया। नायकू सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर 2016 में पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत के बाद से आना शुरू हुआ था। उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। अवंतीपुरा के दुर्बक के नायकू मोहल्ले का निवासी नायकू घाटी के वांछनीय आतंकियों की A++ श्रेणी में आता है। उसने घाटी में सबजार भट्ट की मौत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया का पद संभाला। नायकू को पूरी घाटी में हिजबुल का कमांडर माना जाता था। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पहले उसे कई बार घेरा था, लेकिन हर बार वो किसी तरह बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाता था। आइए एक नजर डालते हैं उन बड़े आतंकियों पर जिनका सुरक्षा बलों ने खात्मा किया है। लश्कर का पाकिस्तानी आतंकी नवीद जट उर्फ अबू हंजाला साल 2018 में जम्मू कश्मीर में बड़गांव में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर नवीद जट को मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक अन्य आतंकी भी मारा गया, वहीं एक आतंकी भागने में सफल रहा था। आतंकवादी नवीद जट पत्रकार सुजाद बुखारी की हत्या सहित घाटी में कई बड़ी आतंकी वारदातों में शामिल रहा था। अंसार गजवातुल हिंद का जाकिर मूसा साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक के पर्याय बने अंसार गजवातुल हिंद के सरगना जाकिर मूसा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम था। उसके साथ एक अन्य आतंकी भी मारा गया था। आतंकी लतीफ अहमद डार उर्फ लतीफ टाइगर 3 मई 2019 को सोपिया जिले के अदखारा गांव में आतंकी लतीफ अहमद डार उर्फ लतीफ टाइगर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। दक्षिणी कश्मीर के सोपिया जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए आतंकियों में से एक बुरहान वानी ग्रुप का आखिरी आतंकी लतीफ अहमद डार उर्फ लतीफ टाइगर भी शामिल था। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को पिछले साल जुलाई में अनंतनाग के पास मुठभेड़ में मार गिराया गया था। बुरहान पर 10 लाख रुपए का इनाम था। घाटी में युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने के लिए बुरहान काफी चर्चित रहा है। वो पाकिस्तान की मदद के बगैर ही आतंकी वारदातों को अंजाम देता था, साथ ही आतंकी संगठन को सक्रिय करने में जुटा हुआ था। पुलवामा और त्राल इलाके में वो ज्यादा सक्रिय था। आतंकी सबजार अहमद भट्ट हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद अस्थायी रूप से हिजब की कमान सबजार अहमद भट्ट को सौंपी गई थी। दक्षिणी कश्मीर के कई युवाओं को अपने संगठन में शामिल करने में सबजार ने बड़ी भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि सबजार अहमद भट्ट को मोहब्बत में मिली नाकामी ने खूंखार आतंकी सरगना बना दिया। लड़की के घर वालों की तरफ से निकाह की गुजारिश ठुकरा देने के बाद 2015 में वो हिजबुल में शामिल हो गया। इसके लिए उसने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर अपनी काबिलियत साबित की थी। अपनी क्रूरता के चलते जल्द ही वो बुरहान वानी का दाहिना हाथ बन गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।